इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नागरिकता संशोधन बिल व NCR के खिलाफ देश भर में ही माहौल गर्मा गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के चलते जहां दिल्ली व गुरुग्राम में जाम के हालात बन गए हैं, वहीं 15 से ज्यादा स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन रोक देना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़ उपद्रव पर उतर आई। उत्तेजित भीड़ ने कई वाहनों व एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने उपद्रवी पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस बराबर प्रदर्शनकारियों के घरों के भीतर चले जाने की चेतावनी दे रही है, लेकिन हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच मेरठ पुलिस प्रशासन ने मेरठ के तमाम मुस्लिम नेताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कराई है। दिलचस्प बात यह भी है कि अपील करने वालों में वह बदर अली भी शामिल है, जो दो दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। शहर में उपद्रव कराने के आरोप में बदर अली को जेल भेजा गया था। उस पर रासुका भी लगाने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते वह दो दिन पहले ही जेल से रिहा हो गया। इस बीच सरकार ने घोषित किया है कि वह पूरे देश में NCR लागू करने नहीं जा रही है। मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना यह देश बाकी लोगों का है, उतना ही मुस्लिमों का भी है। लिहाजा वे किसी के बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी को कुछ कहना भी है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार से कह सकता है। नागरिक संशोधन बिल लागू जिस तरह से हुआ, उसने समाज को दो भागों में बांट कर रख दिया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो दीवार समाज में फैली थी और लंबे समय से जहर घोला जा रहा था, उसका असर कुछ कम हुआ ही था कि नागरिक संशोधन बिल लागू करने व NCR को पूरे देश में लागू करने की बात अथवा अफवाह ने एक बार फिर से समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का यानी कि जिलों का इंटरनेट अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए बंद कर दिया गया है। मेरठ में कुछ लोगों द्वारा कल मेरठ बंद की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं बदर अली, अध्यक्ष युवा सेवा समिति, आपसे ये अपील करता हूँ कि जैसे आप हमेशा मेरी बात को मानते आए हैं, वैसे ही आज आपका बेटा, आपका भाई ये अपील करता है कि कोई भी आदमी, कोई भी हमारा नौजवान भाई सड़कों पर उतरकर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करे। ना ही कोई मेरठ कल बंद है और ना ही किसी मस्जिद के बाहर कोई भी प्रोटेस्ट है। अगर हमें किसी बात का विरोध दर्ज कराना है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराएं, संविधान के तहत अपने विरोध को दर्ज कराएं, लेकिन सड़कों पर उतरकर हमें विरोध दर्ज नहीं कराना चाहिए। और अगर इस तरह की अफवाह कोई आपके पास आती है, इस तरीके का मैसेज कोई आपके पास आता है, तो आप प्रशासन के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या आप मेरे नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। एक बार फिर मैं मेरठ की आवाम से, खास तौर से नौजवान साथियों से ये अपील करता हूँ कि आप मुझे हमेशा अपना भाई मानते आए हैं, तो यही भाई आपसे एक बार फिर अपील करता है कि कल कोई मेरठ बंद नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम पर पहुँचें और अगर किसी को विरोध दर्ज कराना है तो प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करके अपना ज्ञापन प्रशासन को सौंप सकते हैं। मेरा नाम कैसर अब्बास है और मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरठ ज़िले में रहता हूँ। शहर की तमाम आवाम से मेरी अपील है, मुहदमाना दरख्वास्त है कि अगर आप सरकार या किसी गैर सरकारी किसी फैसले से, किसी वजह से अगर आप नाराज़ हैं, नाखुश हैं या मुतमईन नहीं हैं, तो इसका लोकतांत्रिक तरीका यह है कि आप अपनी बात को तफसील से रखें, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखें और हमेशा ध्यान रखें हमारा विरोध का तरीका हमेशा संविधान और लोकतंत्र की तहजीब और दायरों के अंदर ही होना चाहिए। हमारी आपसे दरख्वास्त है, जो भी आप अपना विरोध दर्ज कराएं, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से कराएं। सड़कों पर किसी भी तरह से अव्यवस्था, जाम या किसी आम आवाम को नुकसान के हालात न बनने पाएं, इसकी जिम्मेदारी हम हर हिंदुस्तानी की है। और जब हम विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तानी होने का, तो फिर हमको सबूत भी देना पड़ेगा राष्ट्रीय एकता का, हमें सबूत देना पड़ेगा राष्ट्र की सुरक्षा का, हमें सबूत देना पड़ेगा राष्ट्र की हिफाजत का। और मेरी आप लोगों से फिर एक बार यही अपील है कि बराए करम मेहरबानी अपने प्रोटेस्ट को लोकतंत्र और संविधान के दायरों में करें और जहाँ इजाज़त हो वहाँ करें, जहाँ इजाज़त ना हो वहाँ बिल्कुल ना करें। कानून से, व्यवस्था से, सिस्टम से बिल्कुल टकराने
करने की, दो फाड़ होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस देश के संविधान पर पूरा विश्वास है और ये हमारा अधिकार है। हम अधिकार को अधिकार के तरीके से अगर अख्तियार करेंगे तो बेहतर होगा। अगर हम अपने दायरे से बाहर जाएंगे तो वो हमारे भी लिए नुकसानदायक होगा, हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदायक होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि बराए कर मेहरबानी अमन और पैगाम अमन का पैगाम दें और शांति बनाए रखें। मैं काजी जैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी, अध्यक्ष जमीतुलमा शहर मेरठ, आम मुसलमान भाइयों से, मेरठ के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि मेरठ के अंदर हम लोग आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दें और कोई काम ऐसा ना करें शहर के अंदर जिससे शहर की फिजा ख़राब हो। शहर हमारा अमन चैन कायम किए हुए है यहाँ पर, लेकिन कुछ शरारती आदमी चाहते हैं कि शहर के अंदर बदअमनी हो। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से भी और गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि आप शहर में अमन चैन कायम रखें, कानून का पालन करें और कोई काम ऐसा ना करें जिससे शहर की फिजा ख़राब हो, और अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ लोगों ने 20-21 तारीख का बंद का ऐलान किया है जिसमें उन्हें नाम नहीं दिया गया है, तो मैं समझता हूँ वो एक अफवाह है। अगर अफवाह नहीं होती तो वो ज़रूर अपना नाम देते कि जिसकी जानिब से है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुसलमान भाई सब लोग अमन चैन कायम रखें, आपस में इत्तेफाक रखें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे शहर की फिजा ख़राब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम अनस चौधरी है, आदर सभा समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें करना चाहिए। अगर हमें सरकार के किसी फैसले से हम नाराज़ हैं तो हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है, प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, क्योंकि हम इस देश में आज़ाद हैं, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। तो मेरी एक चीज़ मैं आपसे आप लोगों से दरख्वास्त में करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट हमारा हिंसा की तरफ ना जाए, कोई आगजनिक ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो जिससे सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो कि किसी को नुकसान पहुंचे। मिसाल के तौर पर हम बसों में ज़्यादातर कुछ लोग आग लगा रहे हैं, तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बसों में आग लगाई जा रही है, हो सकता है उनमें हमारी भी धी बेटियाँ हो सकती हैं, बच्चियाँ हो सकती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे वो बेकसूर लोग जल जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। तो बस मैं तो आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ, अपना प्रोटेस्ट करिए, जहाँ अनुमति आपको है करिए, जहाँ अनुमति नहीं है मैं आपसे ये भी दरखास्त करूँगा आप वहाँ मत करिएगा। जिस तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हो, जिसमें आपको सहूलियत लगती हो, आसानी लगती हो, आप उस तरीके से करिएगा। लेकिन किसी के भी बहकावे में आके, किसी भी इंसान के नेता हो या राजनेता हो, किसी के भी बहकावे में आके किसी आदमी को हमारी तरफ से नुकसान नहीं होना चाहिए।